हाय गाइस, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग है वो है ट्राइंग एवरी टॉफी। सो कम ऑन, लेट्स गो। सो गाइस, आज के व्लॉग में मैं ट्राई करने वाली हूँ आड़ी उबड़ी खट्टी मीठी हर तरीके की टॉफीज एंड कैंडी। सो ये देखिए गाइस, बड़ी मुश्किलों से और बड़ा अपने आप को रोक रोक के मैंने इतनी सारी जो है टॉफीज एंड कैंडीज इकट्ठी करी। वैसे तो वजन कम होने का नाम लेता नहीं है, बट आज के वीडियो में तो भर भर के खाएंगे टॉफी 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 और पेट के अंदर जाएंगे कैलोरीज कैलोरीज कैलोरीज। पर कोई बात, और सबसे पहला नंबर जो मैंने लगाया है वो है ये इस सूट केस का। बहुत देर से मैं इंतजार कर रही हूँ कि सूट केस के अंदर कौन सी कैंडी आएगी। एंड ये देखिए, ये सूट केस का ट्रॉली भी चलता है। तो मैं ना कैंडी खत्म होने के बाद इस ट्रॉली के अंदर मैं रख दूंगी अपनी हेयरपिंस, और ये रू 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 जहाँ मर्जी है वहाँ इसको लेके जाऊंगी। ये क्या निकला? अरे यार, एक तो मुझे लग रहा है टॉफी निकली है गाइस, उसके साथ साथ कोई गेम वेम भी है क्या? ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ टूटा फूटा सा ऐसे खिलौना निकल गया, कैसे स्टिकर जैसा भी निकल गया है। हाँ, ये तो जेम्स जैसी ही दिख रही है। ऑरेंज ट्राई कर ली गाइस और ब्लू ट्राई कर ली मैंने, ओके। अरे और एक तो जेम्स जैसी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। चाहे जेम्स खा लो चाहे ये सूटकेस वाली कैंडी खा लो, एक जैसी है, इसके अंदर भरी हुई है चॉकलेट। सो गाइस, जो नेक्स्ट टॉफी है वो इंडिया में ना बहुत ज्यादा फेमस है। सो वो है गाइस ये किंडर जॉय। एंड किंडर जॉय बच्चों के बीच में इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि मेरे जो भाई के बच्चे है ना वो भी इसके दीवाने हैं। और ये मुझे पड़ी है पूरे के पूरे 45 रुपीज की। अच्छा, ये तो दो दो निकला है। अरे ये क्या, इसमें तो चॉकलेट ही नहीं निकली थी। ये ऐसी छोटी मोटी सी मुझे लगता है ये कार जैसी होगी, जिसके टायर मुझे लगता है ठीक से लगे नहीं है। कि चॉकलेट का है जिसके मैंने पैसे भरे गए। ओह, इसके अंदर निकलेगी। ओह, ये दो ऐसे छोटी छोटी नन्हे नन्हे बॉल्स निकल के आए हैं गाइस। खा के देखती हूं कि ये कैसी है। निकलो ओए, निकलो ओए। अरे ये अब मेरी तो यार ये चॉकलेट बॉल तो वाकई बहुत ही गजब की है। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट एंड गुई गुई है, मुंह में जाते ही ना आपके दांतों में और आपकी जीभ में चिपक 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 जाएगी। बट इसका स्वाद ना बहुत ही अमेजिंग है। सो गाइस, जो नेक्स्ट टॉफी है वो है ये कलरफुल से मैजिक पॉप। बोलते हैं कि इनको खा के आपके मुंह के अंदर पॉप 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 पॉप्स बजेंगे। अरे गाइस, ये तो थोड़ा नीले रंग का पाउडर जैसा कुछ निकल के आया है। ये कैसी टॉफी है, मैं खा लूं क्या? मेरा मुंह नीला तो नहीं हो जाएगा गाइस? पटाके पुट 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 नहीं फूट रहे, पर हल्के हल्के लग रहे मुझे फूटते हुए। अरे कान तक गैस आवाज आ रही है, कुछ पुट 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 फूट रहे। ये तो बहुत ही गजब की निकली गाइस। अब मैं कौन सी खाऊं? मैं ये खाऊंगी गाइस, ये वाली फ्रूटेला, जिसके अंदर बड़ी है स्ट्रॉबेरी। ये जेलेटिन फ्री है गाइस। ये तो देखो पैकेजिंग देखो गाइस, अलग 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 पैक्ड है गाइस ये टॉफी। एक एक करके आप आराम से निकाल सकते हो और खा सकते हो। ये तो गाइस कुछ चॉकलेट जैसी निकल के आई है टॉफी, एकदम चॉकलेट टॉफी जरूर लग रही है। तो अभी देखते हैं स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है भी कि नहीं। गाइस ये बहुत हार्ड है एंड एक्चुअली तो ये च्युइंगम मुझे लग रही है। गाइस ये तो बहुत आर्टिफिशियल फ्लेवर है इसके अंदर, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मेरे तो गार्डन वाले भैया बहुत डांटेंगे कि ये क्या करा दी थी आपने, यहाँ सारी चिड़ियां चिपका दी क्या। सो गाइस, अब मैं खाऊंगी छोटी मोटी कैंडीज जो बचपन से हम सब लोग खाते हुए आ गए। यहाँ पे देखिए पूरी ऐसे मैंने रेलगाड़ी की तरह इसको सजा दिया है। सबसे पहले मैं खाऊंगी ये मेरी बचपन से फेवरेट पान पसंद। ये देखो एकदम लाल लाल सी, एकदम चटक मटक लाल सी ये पान पसंद निकल गया है, मुझे अच्छी बहुत लगती है। ये कैंडी ना मैं पूरी खाऊंगी पूरी, क्योंकि ये मुझे अपनी बचपन की यादों में ले जाती है गाइस। बहुत ही मजेदार है, इसके अंदर जो पान का फ्लेवर आता है ना, ओहो दैट इज माइंड ब्लोइंग। सो गाइस, नेक्स्ट जो टॉफी है ना वो है गाइस ये लेवियन की रोज मिल्क प्रीमियम चॉको। ये दिल की शेप में बनी हुई है और ये तो बड़ा ही प्यारा सा दिल निकल के आया है। पिंक और वाइट वाइट चॉकलेट है इसके। लिखा तो है प्रीमियम चॉकलेट, बट है ये बहुत ही बेकार चॉकलेट। मतलब मुझे तो ये वैसे 2 रुपए गाइस, ये बहुत ही बेकार दिल निकला, जिसका भी था ना मैंने तोड़ 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 दिया है। गाइस, जो अब नेक्स्ट चॉकलेट मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो दिखाने वाली हूँ सारी की सारी एल्फेनलीबे की। सबसे पहले गाइस मैं खाऊंगी ये एल्फेनलीबे की जुट्स जेली। जेली नहीं, जेली। मेरी भी इंग्लिश को क्या होता चला जा रहा है गाइस। हाय, ये देखो रेड कलर की ऐसे जेली बॉल निकल के आई। ओह गजब गजब, ये स्ट्रॉबेरी नहीं है गए, इसके अंदर तो ना अमरूद का गुआवा का स्वाद आ रहा है। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ये जेली जेली निकल के आई है। तो अब मैं खाऊंगी गाइस ये एल्पेनलीबे की ज्यूसी फिल। मुझे लगता है अभी तो मैंने अमरूद वाली खाई है, ये ऑरेंज वाली निकल के आएगी। वो सॉफ्ट जेली वाली नहीं है, पूरी टॉफी टॉफी जैसी कैंडी एकदम चूसने चूसने वाली है ये।
यार बड़ी कमाल की टॉफी निकली यार, मुझे पता क्या लग रहा है कि मैं ग्लूकोन डी पी रही हूँ। ग्लूकोन डी ऑरेंज वाला टेस्ट इस एल्बम लीबे के अंदर बहुत ही अमेजिंग है। सो गाइस, अब जो नेक्स्ट एल्बम लीबे की मैं टॉफी खाने वाली हूँ वो है गाइस ये एल्बम लीबे एक्लेयर्स। अच्छा, और इसके अंदर तो गाइस टॉफी के अंदर चॉकलेट ऊज आउट होगी। होय 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 होय, क्या मजेदार निकली रही है। अरे अरे मेरी तो भाई, अरे अरे मेरी तो भाई गाइस, मेरी तो आधी चॉकलेट ही गिर पड़ती है। देखो ये कितनी छोटी सी एल्बम लीबे, इसके अंदर इतनी छोटी है चॉकलेट क्या भरी होगी। आराम आराम से खाना पड़ेगा। हाँ है गाइस, चॉकलेट ऊज आउट हुई है इसको जब मैंने खचक करके च्यू कर दिया ना, इसके अंदर चॉकलेट का ऐसे चॉकलेट का फाउंटेन थोड़ा सा निकल के आया है। बहुत ही गजब की है गाइस। अब गाइस पूरा मुंह तो मेरा चॉकलेटी हो गया है, और अब मैं आपको जो एल्बम लीबे की दिखाने वाली हूँ वो है एल्बम लीबे गोल्ड। आई थिंक ये वाली एल्बम लीबे ओरिजिनल एल्बम लीबे हुआ करती थी। ये तो गाइस देखो कितनी गजब की कैंडी निकल के आई है ना। जितनी भी एल्बम लीबे मैंने ट्राई करी ना गाइस, सारी की सारी बहुत ही अमेजिंग निकल गया। ये वाली कैंडी भी ना, आपका दिल करेगा कि सच्ची बस खाते जाओ। सो गाइस अब बारी है कॉफी की। सो गाइस यहाँ पे मेरे पास है ये कोपिको की कॉफी टॉफी एनी टाइम एनी वेयर कैपेचिनो। क्या बात है, ये तो कॉफी की पूरी लेयर है इसके अंदर। प्लस अगर आप पीछे पलटोगे ना तो ऐसे क्रीमी सी इसके अंदर लेयर है। पूरा का पूरा कॉफी का स्वाद आ रहा है, पर जो कॉफी है ना वो ऐसी लग रही है कि एकदम सस्ती वाली कॉफी ना आपने जाकर थड़ी में पी लिया। बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब बारी है बचपन से जो एक टॉफी आती है ना उसकी खाने की, वो है गाइस ये मेलोडी। इतनी चॉकलेटी क्यों है, खुद खाओ और खुद जान जाओ। ये है मेलोडी। उसके अंदर देखो चॉकलेट की पूरी फिलिंग भरी हुई है। बचपन वाली मेलोडी ज्यादा अच्छी हुआ करती थी, उसका जो स्वाद है ना उसमें लोगों ने तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। मुझे तो बचपन वाला स्वाद अभी तक याद है। अब खाएंगे ये कैडबरी की एक्लेयर्स। ये तो बहुत बढ़िया दिख रही है, ये देखिए एक्लेयर्स पूरी चॉकलेटी है। इसका तो चॉकलेट ही बाहर निकल आया, ये मुझे लगता है पूरा खाना पड़ेगा। बहुत हार्ड है गाइस ये एक्लेयर्स है ना, वो अक्सर हम सबके दांतों में चिपक 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 जाती है और उसको निकालना होता है एक बहुत बड़ा टास्क। तो गाइस अब बारी है पल्स की टॉफी खाने की। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास है पास की पल्स, वो भी लीची फ्लेवर की। ओहो, ये तो वो अपने को चूसने वाली कैंडी निकल के आई है। देखो ये तो बिल्कुल ही लीची के रंग की गाइस निकल के आई है अभी। परफेक्ट लीची फ्लेवर है, उसके साथ हल्का सा ना इन्होंने सॉल्ट भी इसके अंदर ऐड करा है, क्योंकि लीची मिठास के साथ हल्की सी सॉल्टीनेस भी इसके अंदर है। सो गाइस अब बारी है एक बहुत ही अतरंगी फ्लेवर खाने की। तो ये है मेरे पास गो देसी का देसी पॉप, के अंदर ना एकदम कच्ची केरी वाली टॉफी आई है। ये टॉफी तो ब्राउन सी निकल के आई है, एकदम ऐसा लग रहा है कच्ची केरी को इन्होंने स्टिक के ऊपर जमा दिया है और इसको ब्राउन कलर का पेंट कर दिया है गाइस। कच्ची केरी का तो देखो स्वाद आ रहा है, बट उसके साथ साथ मुझे लगता है इसके अंदर इन्होंने ना थोड़ी सी इमली भी मिलाई है, क्योंकि इमली की जो खट्टास है ना उसका जो कलर है वो बखूब इसके अंदर आया। सो गाइस अब टॉफी में ना कपकेक खाने की बारी है। आप भी सोच रहे होंगे टॉफी के अंदर कपकेक कैसा है। तो गाइस ये है मेरे पास बर्थडे कपकेक मार्शमेलो टॉफी, रेनबो के स्प्रिंकल्स इन्होंने डाले। बट इसको खाना कैसे गाइस, निकल अरे ये तो निकल आया। देखो कितना सुंदर मुंदर दिख रहा है, पूरा का पूरा कपकेक है ना वो इन्होंने बखूब टॉफी के तरीके से तैयार करा है। देखो बेकार कपकेक निकल के आया गाइस। अब जो नेक्स्ट ट्रॉफी है वो है गाइस ये पॉकी। अच्छा मैं पॉकी पढ़ रही थी। नेक्स्ट ट्रॉफी जो है वो है पॉकी कोकोनट एंड ब्राउन शुगर फ्लेवर। ओह ये तो स्टिक्स आई है गाइस। ओए ये तो बड़ी अच्छी दिख रही है मुझे ये टॉफी, पता है किसकी तरह लग रही है। हम जब भगवान जी को अगरबत्ती लगाते हैं ना फिर ऐसे आरती गाते हैं, ये एकदम वैसी लग रही है, एकदम अगरबत्ती स्टाइल की टॉफियां। हां हां
देखो ये स्टिक तो च्यूएबल है बट ये टॉफी टॉफी जैसी लग नहीं रही है, एकदम मीठी बहुत कम है, प्लस कोकोनट का तो बढ़िया फ्लेवर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी चीनी और डाल देते ना तो ये बहुत ही गजब की निकल के आती है। आपको गिटार बजाना आता है? वैसे तो मुझे भी नहीं आता है गाइस, बट यहाँ पे मैं लेके आई हूँ एकदम पिंकी पिंकी कलरफुल सा गिटार कैंडी। इसे गिटार बजाते जाओ और अपनी कैंडी खाते जाओ। तो अभी खोलती हूँ गिटार को पहले मैं। ये तो मेरा गाइस गिटार ही फूटता टूटता चला जा रहा है, गिटार मुझसे खुल नहीं रहा है। क्यों तो पीछे से खोलते तीन से बताया क्यों नहीं? तो ये देखिए ये, अरे बाप रे, ये स्टिकर निकाला। ओ इट्स लाइक अ मिनी मिनी बॉक्स गाइस, लवली। कितने आराम से खोल गया, ये देखो कितनी सारी आएंगी कैंडी। ये लाल वाला दिल खा के देखती हूँ गाइस ये कैसा है। ऑरेंज भी खा लेती हूँ। जीस कैंडीज आर नाइस, ये टॉफी तो बहुत अच्छी है, एकदम सटल फ्लेवर है। इतना छोटा दिल था मेरे गले में अटक जाएगा। एकदम सटल फ्लेवर है इनकी, जो मिठास है ना वो भी हल्की फुल्की से एकदम एप्ट है। बहुत ही सोफेस्टिकेटेड टॉफी है। तो अगर आपको किसी को गिफ्ट देना ना तो ऐसी गिटार देना जिसके अंदर भरे हुए हैं ये दिल और चांद। आपको टॉफी पसंद है? अगर पसंद है तो क्या कर रहे हो गाइस, जल्दी से जाओ लाइक बटन प्रेस करो। और अब अगली जो मैं आपको टॉफी दिखाने वाली हूँ वो है फॉक्स की क्रिस्टल क्लियर टॉफी। ये तो कलरफुल सी कैंडीज दिख रही है मुझे, ये लाल और पीली है। ओहो क्या बात है, मैं तो टॉफी खाते खाते ना मुझे लग रहा है मेरे अंदर शुगर रश आता चला जा रहा है। वैसे क्रिस्टल क्लियर तो ये दिख रही है, बहुत ही ट्रांसलूसेंट सी टॉफी है ये। I like this. बहुत ही गजब की है यार ये। इसके फ्लेवर जो है ना वो बिल्कुल भी मुझे आर्टिफिशियल नहीं लग रहा है, ऑरेंज एंड लेमन फ्लेवर है। नाउ इट्स टाइम टू ईट सम चॉकलेट शॉट। गाइस यहाँ पे है मेरे पास कैडबरी के शॉट जिसके अंदर छोटे 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 से बॉल्स बनी है। तो चलो देखते हैं कि इसके अंदर कितने बॉल, इस 5 रुपए के पैकेट के अंदर कितने बॉल था। अरे मेरा एक बॉल तो गिर गया गाइस। इसके अंदर आते हैं गाइस 5 बॉल जो बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 मेरे पास। ये बहुत ही छोटे छोटे से बट ये पूरे कोटेड है चॉकलेट के अंदर। तो देखते कैसा गजब गजब गजब। ये कैडबरी के जो शॉट्स है ना वाकई कमाल के। 5 रुपए में ना आपका मुंह मीठा हो जाता है, और आपको क्या चाहिए गाइस। तो अब खाऊंगी मैं गाइस ये सेंटर फ्रूट सॉफ्ट चुई बाइट साइज बॉल्स, क्या बात है, विद फ्रूट जूस। अच्छा इसके अंदर जूस निकल के आएगा, ये तो जैम जैसी दिख रही है। इसके अंदर आपको क्या लगता है, जूस भरा होगा कि नहीं? इन्नी मिन्नी मैंने वो कर लूं क्या, ग्रीन ले लेती हूं। चलो ग्रीन ले लेती हूं इस बार। देखो गाइस जूस वूस के अंदर कुछ भी नहीं भरा हुआ, ये मुझे तो थोड़ी चिकिस चिकिस सी च्युइंगम लग रही है। फ्लेवर जरूर लगा है, इसके अंदर केरी का स्वाद आ रहा है। चलो इन्होंने जूस में थोड़ी सी गुच्ची गुच्ची कर दिया, पर कोई बात नहीं। च्युइस का ना जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, बिल्कुल भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं लग रहा है, एकदम सच्ची सच्ची फ्लेवर लग रहा है। इतनी देर से टॉफियां खा रहे हैं, अब थोड़ा खोखो खोला या थम्स अप भी तो हो जाए। चलो खाते हैं गाइस ये जुट्स जेली की कोला बॉटल्स। इसके अंदर छोटी छोटी बॉटल्स निकल के आएंगी क्या, कितने गजब के कोला बॉटल्स निकल के आए हैं। इनके ऊपर ऐसे चीनी के शुगर ग्रैनुअल्स भी चिपकाए हुए हैं। कोला ना मुझे इतना ज्यादा पसंद है कि मैं अभी तक आपको बताऊं, अभी तक मैंने जितनी भी टॉफियां खाई है ना मुझे सबसे सबसे अच्छी ये कोला बॉटल्स ही लगी, क्योंकि एकदम कोला का फ्लेवर इसके अंदर है, प्लस जो शुगर ग्रैन्यूल्स लगाया है ना क्या मिठास देते हैं। ओहो खट्टी भी है, ये मीठी भी है, प्लस इसके अंदर वो कोला वाला भी ऐसा मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा। सो गाइस अब बारी है ये फ्रूट रोलअप की। रोलअप आप समझे, वो जैसे आम पापड़ होता है ना, ऐसे पतली शीट के जैसे, वैसी ये टॉफी निकल के आने वाली है। ये है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की, ऑल नेचुरल, नो एडेड कलर एंड नो रिफाइंड शुगर। अरे शुगर भी नहीं है तो मीठी कैसे निकलेगी, ये तो पूरी पूरी आम पापड़ की जैसी निकली। एक्चुअली आम पापड़ नहीं, ये स्ट्रॉबेरी जूस का मुझे लगता है इन्होंने पापड़ बना दिया, काला पापड़ कच्चा पापड़। गाइस ये तो मुझे कुछ अच्छा अच्छा नहीं लगा, ये बहुत ही खट्टी खट्टी स्ट्रॉबेरियों के जूस से इन्होंने बना दिया, क्योंकि ये एकदम खट्टी टॉफी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट अब बारी है गाइस बहुत सारी लॉलीपॉप्स ट्राई करने की। और यहाँ पे मेरे पास है छोटी बड़ी मोटी पतली बहुत तरीके की सुंदर सुंदर सी लॉलीपॉप्स। तो सबसे पहले मैं जो ट्राई करूंगी वो है गाइस ये जॉली रैंचर की लॉलीपॉप। गाइस ये मैंगो फ्लेवर की लॉलीपॉप है। ये तो कितना बढ़िया लॉलीपॉप निकल के आया, एकदम छोटू मोटू सा। ये मैंगो फ्लेवर तो बहुत नकली लगा मुझे, हटाओ दूसरा खाओ। ये तो बहुत ही गंदा है। अब गाइस जो नेक्स्ट मैं ट्राई करने वाली हूँ वो है ये बहुत ही गुड लुकिंग सी पिंकी 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 एकदम मेरी ड्रेस से मैचिंग लॉलीपॉप। दांत ना टूट जाए तुम्हारे, नहीं ये स्टिक आ गई ना। एक्चुअली ये लॉलीपॉप ना
मार्शमेलो लॉलीपॉप्स है। वैसे मार्शमेलो तो ठीक था बट इसका फ्लेवर ना गाइस, मतलब दिखने में तो बहुत अट्रैक्टिव है बट बहुत वियर्ड है, मतलब मुझे तो फ्लेवर ही समझ में नहीं आया। अब खाऊंगी मैं ये जुप्पी की, ये कलरफुल कलरफुल रेनबो रेनबो लॉलीपॉप। ये मार्शमेलो नहीं है, ये तो कैंडी है। ऐसे लग रहा है मैं पत्थर लिख कर रही हूँ। ये हल्की मीठी मीठी तो जरूर है, मुझे लगता है इसको आप बाइट करेंगे ना तो चीनी का स्वाद पूरा आएगा। मेरे तो दांत ही ना टूट गया। ये ठीक है गाइस, ये कोई बहुत एक्साइटिंग नहीं है। अब एक और कलरफुल सी लॉलीपॉप मैं खाऊंगी जो कि डोरेमोन है भाई। इसके तो नीचे कोन है, ऊपर कुछ 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 और सबसे ऊपर इन्होंने डोरेमोन का एनिमेटेड कैरेक्टर भी बना रखा है। ये मार्शमेलो कैंडी है गाइस, इसकी सर खा लूं डोरेमोन का मैं, कान खा लेती हूं गाइस। नहीं गाइस ये मार्शमेलो की तो नहीं है, ये थोड़ी हार्ड सी निकली, पत्थर की निकली मुझे ऐसा लगता है। मेरे दांत आज गए मुझे लगता है। अरे कैसे डोरेमोन कट जाओ ना गाइस, कैसी कैसी कैंडियां बना देते हैं, मतलब कट भी नहीं रही है, ऐसा लग रहा है मैं पत्थर को चाट लिया। इतनी महंगी कैंडी और इतनी अजीब सी निकल आई, मेरे दांत सारे पीछे छप गए गाइस, बट ये टूटी नहीं है। अरे यार अब बारी है गाइस ये जुप्पी की वाटरमेलन कैंडी खाने की। वैसे वाटरमेलन ना दिखने में पूरा पक्का वाटरमेलन लग रहा है। वाटरमेलन का फ्लेवर आया, वाटरमेलन का फ्लेवर तो आया बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा साबुन का फ्लेवर भी आ रहा है गाइस। बिल्कुल मजा नहीं आया गाइस, ये जितनी महंगी कैंडीज थी ना इनमें बिल्कुल स्वाद नहीं था, मतलब ये सिर्फ बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई है। मेरे कहने पे ये सुंदर दिखने वाली कैंडीज कभी मत लेना। लास्ट में मैं आपको दिखाने वाली हूँ गाइस ये हाज मोला जो खा के हो जाएगा इन सबका गोल मोल तोल। अब हाय इतनी देर से इतनी मीठी मीठी कैंडीज खा रही थी ना, ये चटपटी हाजमोला खाते ना एकदम मेरा दिमाग से ऐसे क्लिक 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 कर गया गाइस। आज का अगर आपको ट्राइंग एवरी टॉफी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको इन सभी कैंडीज में से सबसे अच्छी टॉफी कौन सी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताओ। चलो अब मिलूंगी मैं अगले व्लॉग में, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप ग्लोइंग, नाउ लेट मी ईट माय हाजमोला।